सांसद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी पूर्व सांसद डिंपल यादव जी आ चुके हैं मंच पर। हम सम्मानित साथियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चन जी और हमारे प्रत्याशी श्रीमती रागिनी सोनकर जी, मनसा सिंह, सभी हमारे सम्मानित नेता हैं। साथियों, आपके बीच में आ चुके हैं। ऐसी दशा में मैं आप सबसे चाहूंगा ताली बजा के उनका स्वागत करने का कष्ट करें। आप सबकी तरफ से ताली बजा के स्वागत करने का कष्ट करें। दोस्तों, आप जानते हैं लगातार चुनाव में जिस तरह निकल करके अपना संदेश देने का काम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप सभी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, और जितने हमारे विधानसभा के पदाधिकारी हैं, सभी साथियों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ अध्यक्षों का, सभी कमेटी के भाइयों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रत्याशी महोदया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा रूप से वो आए और मंच पर अपनी बात रखने का कष्ट करें। प्रत्याशी महोदया रागिनी सोनकर जी, वो आए और अपनी बात रखे। मंच नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपनी माननीय डिंपल भाभी को और माननीय सांसद जया बच्चन जी को चरण स्पर्श करके यहाँ पे अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे नारी सशक्तिकरण का समाजवादी उदाहरण देते हुए आपके समक्ष माननीय डिंपल यादव जी और हमारी सांसद माननीय जया बच्चन जी यहाँ पे हैं। मैं हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करती हूँ। और मछली शहर की जनता आपका प्यार और उत्साह बता रहा है कि हाँ, 10 मार्च को अखिलेश भैया आ रहे हैं और हमारी समाजवादी सरकार बनने जा रही है। मैं आप सभी को 10 मार्च के लिए अभी से अग्रिम बधाई देते हुए बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। मुझे डॉक्टर रागिनी सोनकर को आप लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका मिला। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ और मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी जनता के बीच भेजा है जो मुझे पलकों पे बिठा के रख रही है। अखिलेश भैया, डिंपल भाभी, माननीय जया बच्चन जी, धन्यवाद। मैं आज जो मेरी यहाँ प्यारी जनता यहाँ पे उपस्थित है और जिस उत्साह और प्यार के साथ आप यहाँ पे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, तुम आगे चलो और हम तुम्हारे साथ हैं, उसके लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इन 5 सालों में हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है,
हमारी ये जो लड़ाई है उन शहीदों के नाम है जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी उन शहीदों के नाम है, और वो उनकी अतृप्त आत्माएं हमें हर बार बोल रही हैं, उनकी अतृप्त आत्माएं बोल रही हैं, ये चुनाव हमारा है, ये चुनाव जनता का है और ये चुनाव जनता लड़ रही है। वो हमसे हमारे शहीद, हमारे किसान भाई, हमारे पत्रकार भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा, वो हमसे यही कह रहे हैं, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के वतन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले बहुत धन्यवाद।